हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए अपनी पढ़ाई लिखाई। आप लोग बहुत ही मस्त और झक्कास तरीके से कर रहे हो गए। तो जैसा कि पता कि हम लोग का चैप्टर चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी, हम लोग का यहाँ पर चैप्टर चल रहा। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि वीडियो के तहत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। तो अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब अगले क्वेश्चन अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। कह रहा है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट इन अ थर्ड ईयर। कह रहे हैं कि कोई कंपनी कोई होगी, तो वो जो टीवी प्रोड्यूस करती है मतलब टीवी का निर्माण करने वाली कोई फैक्ट्री कंपनी कोई है, तो कहते हैं कि तीसरे वर्ष थर्ड ईयर वो 600 टीवी प्रोड्यूस करती है। तो कह रहा है एंड 700 इन अ सेवेंथ ईयर। कह रहे हैं कि सातवें वर्ष सेवेंथ ईयर में 700 टीवी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली। कह रहे हैं कि एज्यूम करिए, सोचिए कि जो टीवी बनाने का कंपनी का जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन टीवी का जो कर रही है ना, वो एक कांस्टेंट रहे मतलब फिक्स रहे। जैसे अगर अगर मान लो कि पहले ईयर से दूसरे ईयर में उसने अगर 50 टीवी एक्स्ट्रा बनाए हैं, माना 50 बनाए हैं, तो हर बार 50 ही 50 बनाते हैं, मतलब उसका उसका जो जैसे बोलेंगे उसका जो टीवी बनाने का जो इंक्रीमेंट है, कॉमन डिफरेंस डी जो होगा वो हमको सेम यहाँ पर दे रखा है। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा बाय अ फिक्स पर ईयर। तो हमसे क्या कह रहा, फाइंड। अब हमें देखो इतना हमें दे रखा है कि देखो हमको गिवन यहाँ क्या लिखोगे, लिखोगे गिवन क्या लिखोगे, हमको गिवन दे रखा है, लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ प्रो प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस टेलीविजन इन थर्ड ईयर ना, हाँ इन थर्ड ईयर। तीसरे साल कितने टीवी प्रोड्यूस होते हैं, 600। फिर क्या लिखोगे, प्रोड्यूस्ड टेलीविजन इन सेवेंथ ईयर में कितने होते हैं, ये 700 होते। इतना हमको यहाँ पे गिवन दे रखा है। अब देखो हमें हमसे कह रहा है यार, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितनी टीवियां प्रोड्यूस हुई वो बताओ। फिर द प्रोडक्शन इन द टेंथ ईयर, 10वें साल मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10। अपने 10 साल में 10वें साल, 10वें साल मतलब उस सिर्फ 10 साल की बात कर रहा है। कह रहा है कितनी टीवियां प्रोड्यूस होंगी हमको ये बताना है। तो कह रहा है द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर। कह रहे शुरुआत के 7 वर्ष में कितनी टीवियां प्रोड्यूस हुई आपको ये बताना है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लैंग्वेज अगर पकड़ पाओगे तभी क्वेश्चन आप इसको कर पाओगे। तो हमसे हमसे देखो हमसे यहाँ गिवन दे रखा है, देखो हमको अगर थर्ड हमको दे रखा है तो मानेंगे पहले साल टीवी आपकी A1, सेकेंड ईयर आपकी टीवी A2, फिर आपका A3, फिर आपका A4, फिर आपका A5, ऐसे करते करते टीवी आपकी बनी हो जा बनी टीवी होंगी। तो ध्यान देना, अब देखो ये आपकी एक एपी का फॉर्मेशन होगा, क्यों होगा, कौन सा एपी का फॉर्मेशन क्यों हो जाएगा। कह रहे हैं कि पर ईयर जो टीवियां प्रोड्यूस होती है ना, उनका इंक्रीमेंट मतलब जो टीवियां बढ़ती रहती हैं वो एक एट अ कॉन्स्टेंट नंबर से टीवियां बढ़ती मतलब फिक्स बिल्कुल से है। जैसे कि मान लो कि अगर वो पहले साल उसने मान लो 200 टीवी बनाई और नेक्स्ट ईयर उसने 300 बनाई, तो उसने 100 टीवियाँ इंक्रीज कर दी ना, तो हर साल क्या करती हैं, 100 टीवियाँ ही मतलब 100 या 150 जो भी होगा एक पर्टिकुलर नंबर के अकॉर्डिंग टीवी आपकी प्रोड्यूस होती रहती हैं। अब यहाँ ध्यान देना, ठीक है, तो हमको देखो ये आपका एपी के फॉर्मेशन में होगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे एनएथ एनएथ टर्म ऑफ एपी, एपी का एनवा टर्म क्या हो जाएगा। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इक्वल ए, क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इसको अगर डी मान लो, देन तब क्या हो जाएगा, तब फॉर्मूला क्या लगेगा, एन क्या हो जाएगा, ए फर्स्ट टर्म एन नंबर ऑफ टर्म एन माइनस वन डी आपको कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब देखो हमको तीसरे वर्ष टीवियों का प्रोडक्शन हमको यहाँ दे रखा है, तुमको कहीं ना कहीं हमको A3 की वैल्यू हमको यहाँ दे रखी है। तुम क्या लिखेंगे, A3, यहाँ हम क्या लिखेंगे, एन बराबर हम लोग 3 यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये कितना आपका जाएगा,
ए थ्री इक्वल आपका आ जाएगा ए प्लस का एन, एन की जगह थ्री, थ्री माइनस का वन डी आपका ऐसा लिखा जाएगा। और ए थ्री की वैल्यू हमको 600 दे रखी है, 600 तो आपका 600 प्लस का ये आपका 2d आ जाएगा। इसको इक्वेशन एक मान लो। अब देखो हमको सातवें साल में जितनी डीबी बनी हमको उसको यहाँ पर नंबर दे रखा है, तो वहाँ क्या हो जाएगा आपको n बराबर यहाँ पर 7 इस फॉर्मूले पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आपका a 7 आ जाएगा इक्वल a प्लस का n की जगह 7 माइनस का 1। और d कितना आ जाएगा, d हमें नहीं पता यहाँ पर है, तो a 7 की 700 दे रखी वैल्यू, तो 700 इक्वल आ जाएगा a प्लस का 6d। ये आपका इक्वेशन 2 यहाँ पर आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2 में ए डी की वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम लोग माइनस कर लेंगे। जब माइनस करोगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस का 6d इक्वल कितना जाएगा, ये आपका 700 आ जाएगा। कितना जाएगा, ए प्लस का 2d इक्वल टू ये आपका 600 आएगा। जब माइनस करोगे माइनस 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 ये आपका कैंसिल बराबर हो जाएगा। अब 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, तो आपका ये 4d हो जाएगा इक्वल। अब देखो 600 में से ये 700 में से आपका 600 माइनस करेंगे तो आपका 100 बचेगा। या a की वैल्यू कितनी, d की वैल्यू कितनी आपकी 25 यहाँ पर आ जाएगी। इनको डिवाइड करोगे 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका 24 यहाँ पर हम लोग को फाइंड हो जाएगा। अब देखो d की वैल्यू इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसने पुट कर देंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Putting the value of d in equation 1। जब equation 1 में d की वैल्यू पुट करोगे तो ये 600 आपको ऐसे लिखा रहेगा इक्वल a की वैल्यू पता नहीं है प्लस का 2 इंटू डी की वैल्यू 25 आ जाएगी। यहाँ से a कितना निकलेगा हमको, ये आपका 25 पूजा आपका 50 आ जाएगा। ये आप कैसे आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 माइनस का 50 तो कितना जाएगा 550। ये हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। दोनों में क्या मिल जाएगी, अब देखो ये ए आपका हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अब ध्यान देना ए को हम प्रथम वर्ष बोलेंगे, तो पहला हमारा आंसर आ जाएगा, हमसे पहला क्या पूछा गया था कि द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल कितना प्रोडक्शन हुआ, तो ए वन जो आपका ए आया है ये आपका फर्स्ट टर्म है। हमने क्या किया था, ये सब ईयर साल हम सारे जितने भी ईयर थे हमने इनको ईयर में सबको यहाँ पर लिख लिया था। तो ए वन आपका ये फर्स्ट ईयर आ जाएगा ना, आपका फर्स्ट ईयर आ जाएगा। भाई थर्ड ईयर को हमने ए थ्री माना था ना, तो आपका फर्स्ट ईयर मतलब पहले साल में कितनी टीवियाँ आपकी प्रोड्यूस होंगी, आपकी 550 टीवी आपकी हो जाएंगी। हमसे बोलना है कि सर ये बताइए कि 10वें साल कितनी टीवियाँ प्रोड्यूस करेगा, मतलब 10वें साल मतलब 10 साल में 10वें साल में कंपनी कितनी टीवियाँ प्रोड्यूस करेंगी। तो हमको यहाँ देखो, हमको A10 यहाँ पूछा गया है, तो हम लोग ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो एन की वैल्यू हम लोग 10 पुट कर देंगे, तो 18 कितना आपका जाएगा, ए प्लस का एन माइनस वन 9 माइनस का 1, ये आपका डी ऐसे लिखा रहेगा, 10 माइनस का 1 आपका जाएगा, तो ए प्लस का 9d ये आपका 18 यहाँ पे आ जाएगा। ओके अब देखो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 50 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। इनको सॉल्व कर लो आपको 18 यहाँ पर मिल जाएगा, तो 18 की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी, फिर देखो 9 बचे 45 ठीक 9 बचे 45 तो ये आपको 225 आ जाएगा यहाँ पर 225 आ जाएगा। और प्लस कितना आ जाएगा, ये आपका 550। इनको ऐड कर लो, जब ऐड करोगे तो 18 कितना हमको मिल जाएगा, ये आपका 5 यहाँ लिखा रहेगा, ये 7। दसवें वर्ष कितनी टीवियाँ प्रोड्यूस करेगा वो, 775 मतलब 775 टीवीज वो प्रोड्यूस करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा। अब देखो यहाँ पर अपने हम ये फर्स्ट पार्ट हम लोग का हो ही गया है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अपने थर्ड पार्ट पे याद कर रहा था टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7। अब तो ध्यान देना, हमसे कह रहा है कि 6 था ऐसे ठीक, 6 और 7, हमसे कह रहा है कि यार ये बताओ ये 7 वर्ष में कितनी टीवियाँ प्रोड्यूस करेगा।
अब ध्यान देना इधर, ठीक। 7 वर्षों से हमसे ध्यान देना, हमसे सम आफ्टर पूछा गया है यहाँ पर। क्या क्या पूछा गया है? A1, A2, A3, A4, A5, A6 का A7 तक का सम पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है इसमें हम सम ऑफ टेलीविजन वाला फॉर्मूला यहाँ पर, सम ऑफ का हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो ये आपको फर्स्ट सेकंड पार्ट समझ में आ गया होगा। अपने हम इसको यहाँ पर रफ करते हैं, अपने हम इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, हमें थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। देखो हमने अभी ए कितना निकाला था, ए हमारा 550 आया था, और डी कितना हमारा आया है, डी हमारा 25 यहाँ पे आया है। अब ध्यान देना, हमसे S7 पूछा गया है, 7 पदों का योग अर्थात 7 ईयर का सम हमसे पूछा गया है ना, हमसे इतना पूछा गया है। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू आपकी हो जाएगी 7। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, एपी के एन पदों का योगफल क्या हो जाएगा, तो आपका जाएगा एस एन बराबर हो जाएगा n/2 2a+ का n-1, ये आपका डी आ जाएगा। तो एस एन की जगह कितना आ जाएगा, एन की जगह आपका 7 आ जाएगा। तो S7 बराबर 7/2, 2a की वैल्यू हो जाएगी 550, n7-1 तो 6, और डी कितना आ जाएगा, डी आपका 25 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इधर इनको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करोगे, 7/2 ऐसे लिखा जाएगा। अब ध्यान देना, इस यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है, और 6 को 3 × 2 लिखेंगे, 2 कॉमन चला जाएगा। जब तो पूरा दोनों में 2 कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा, 550+ का 25 × 3 बचेगा, 2 कॉमन जाएगा ना, 6 में से 2 कॉमन जाएगा, 3 बचेगा आपका। अब ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 7 आप कैसे लिखा रहेगा। अब 25 × 3 = 75 आपका हो जाएगा। तो ये 550+ का 75² कर लो, तो 5, 7 और 5 कितना जाएगा, 12, 12 का 2 कैरी अपॉन आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे, 625 आपके जाएंगे, ठीक। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 625 का मल्टीप्लाई जब 7 से करोगे तो 7 × 5 = 35, 35 का 5 कैरी आपका यहाँ 3 आ जाएगा, 7 × 2 = 14, 14 और 3 कितना जाएगा, 17 कैरी आपका 1 आ जाएगा, 7 × 6 = 56 और 57 5775 क्या जाएगी, आपकी S7 की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका S7 यहाँ लिखा जाएगा S7। ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा कि जो कंपनी है वो प्रथम फर्स्ट 7th ईयर में कितनी टीवीयां प्रोड्यूस करेगी, आपका 5775 टीवीयां प्रोड्यूस करेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक कि आप लोगों ने ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।